हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं लगभग 2300 साल पुरानी मम्मी। चलो दोस्तों, चलते हैं जयपुर के सबसे बड़े अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए थैंक यू, लव यू। तो दोस्तों, आज हम फाइनली अल्बर्ट हॉल पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये आप अपनी आंखों से देखें, तो बिना टाइम जाया किए हुए मैं आपको अल्बर्ट हॉल का नज़ारा बाहर से दिखाता हूँ। भाई, मेरे को अब एक अलग ही फीलिंग आ रही है यार, ये इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है। इसकी डिजाइन सैमुअल क्विंटल जेकब ने की थी। ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज अपने साथ में दादा की मस्ती के मेन एक्टर चुन्नी लाल, जो अपने क्लोज मित्र है। दोस्तों, बाकी तो आपको मेरे बारे में मेरे मित्र महेंद्र जी ने बता दिया होगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी अल्बर्ट हॉल में घूमने की, तो मुझे जैसे ही मालूम चला कि आज का व्लॉग शूट अल्बर्ट हॉल में होने वाला है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। तो अब हम बिना टाइम खराब करे करते हैं आज का व्लॉग शुरू। ओ भाई, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ? भाई पार्किंग है ना। अच्छा, यह संग्रहालय जयपुर जंक्शन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर से 9.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह संग्रहालय जयपुर के रामनिवास बाग के पास में स्थित है। तो यहाँ पर यातायात से लेकर छोटी से छोटी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई यार, इसके बारे में बताता ही रहेगा, ये अंदर भी लेके चलेगा, मेरे से और वेट नहीं हो रहा। चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। चल यार फिर आ जा। मैं आपको मेरे कलीज मित्र से बात कर रहा हूँ, जो अल्बर्ट हॉल में ही कार्यरत है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? यहाँ पर आज मेरे साथी मित्र जो आए हैं अल्बर्ट हॉल घूमने के लिए। अल्बर्ट हॉल आप देख रहे हैं कि इसका बहुत ही सुंदर ये नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बरसात के मौसम में तो बहुत ही सुंदर दिखता है पूरा रामनिवास बाग। 1876 में बनी ये इमारत देश जयपुर के मध्य में बसी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर पिछले 130 साल से के अंदर संग्रहालय चलाया जा रहा है। तो साथियों, संग्रहालय के कलेक्शन के बारे में अगर जानेंगे, तो संग्रहालय में यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा एग्जिबिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल कलेक्शन यहाँ पर है। मिस्र की ममी यहाँ पर डिस्प्ले में है, जो कि हिंदुस्तान में और भी जगह ममी है। तो ये जो ममी है यहाँ पर, वो 2000 से भी ज़्यादा पुरानी है और हिंदुस्तान में सबसे पुरानी ममी यहाँ पर डिस्प्लेड है, जो कि बहुत ही दुर्लभ। अगर आप उसको देखते हैं तो आदमी चकित रह जाते हैं कि इतनी 2000 साल पुरानी डेड बॉडी किस तरीके से आज भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, एक बार जयपुर में अल्बर्ट हॉल घूमने जरूर आए। धन्यवाद। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेश जी का, जिन्होंने हमें अल्बर्ट हॉल के बारे में इतना कुछ बताया कि यहाँ पर मम्मीज उपलब्ध है जो 2000 साल से भी काफ़ी पुरानी है और फिर भी उनको किस तरह से बचा कर रखा गया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल्बर्ट हॉल को राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। तो आपने मिस्र के पिरामिड और मम्मी के बारे में ज़रूर पढ़े और सुने होंगे, और इसको देखने के लिए आपको मिस्र जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह आप इंडिया में ही देख सकते हो। इस संग्रहालय का नाम किंग एडवर्ड ने दिया, जो 6 फरवरी 1800 को यहाँ आए थे। तो आप वीडियो भी देख पा रहे हो।
इसे 1883 में पब्लिक संग्रहालय के रूप में खोला गया। तो दोस्तों हम दूसरे फ्लोर पे चल रहे हैं और जो मम्मी है उसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और ब्लॉग आपको कैसा क्या लग रहा है वो हमें कमेंट करके बताएं, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, आगे भी आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। यह अल्बर्टोल का छोटा रूप है जिसे आप देख सकते हो। यह हर मंडे को बंद रहता है। दोस्तों ये एक मम्मी है जो मिस्र से लाई हुई है, ये लगभग 2340 साल पुरानी है। जो कि सवाल ये है कि किसकी मम्मी है, ये मिस्र की मम्मी है जो कि 100 प्राप्त किया गया था, जिसे देखकर लगता नहीं कि ये आज भी 2340 साल पुरानी है। मिस्र के पुराने नगर पेनोपोलिस से खुदाई से मिला था। ये मम्मी जिस महिला का है उसका नाम तूतू है। बताया जाता है कि मिस्र में उस समय खेम नाम के देवता की पूजा की जाती थी। यह महिला उस देवता के उवासक पुरोहित परिवार की सदस्य थी। यह मम्मी का एक्सरे जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कुछ ही समय पहले इनका देहांत हुआ हो। यहाँ पर अलग अलग राजाओं के शासनकाल की मुद्राएं मौजूद हैं जो आप देख सकते हो।
इसे सेंट्रल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। महाराजा सवाई राम सिंह जी चाहते थे कि ये जो जगह इसे टाउन हॉल के रूप में बनाया जाए, बट माधव सिंह द्वितीय ने कहा कि इसे सब कला और संग्रहालय के रूप में बनाया जाना चाहिए।